हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, इसके पहले के वीडियो में हमने बनाया था यहाँ पे डायनामिक माइक के लिए प्री एम्पलीफायर। तो गाइज, ये जो प्री एम्पलीफायर चलता था गाइज 12 वोल्ट पे चलता था। तो गाइज, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके गाइज हमने यहाँ पे बनाया है गाइज यहाँ पे 3.7 वोल्ट पे चलने वाला। तो गाइज, इस वीडियो में मैं किस तरीके से ये चलता है गाइज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज, वीडियो पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइज, कंपोनेंट क्या क्या चाहिए गाइज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि बहुत ही कम कंपोनेंट है, तो जैसे कि यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये रहेगा गाइज 10K का रेजिस्टेंस, और गाइज यहाँ पे एक रहेगा गाइज 100K का रेजिस्टेंस। तो जैसे कि 100K का रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो ये 100K का यहाँ पे ले लेंगे रेजिस्टेंस। और गाइज, इसके बाद गाइज यहाँ पे हम ले लेंगे गाइज यहाँ पे जो माइक यहाँ पे कनेक्ट होगा गाइज, वहाँ पे हमें यहाँ पे कैपेसिटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइज 0.1 UF का यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे। तो ये 50 भी चलता है, 63 भी चलता है गाइज यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ ये 0.1 UF का होना चाहिए। तो ये भी एक कैपेसिटर ले लेंगे। अभी और एक कैपेसिटर चाहिए गाइज यहाँ पे जो आउट के लिए। तो गाइज यहाँ पे जो है 10 UF 50 वोल्ट का। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये कैपेसिटर है गाइज 10 UF 50 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज हमारे इतने से कंपोनेंट है। और गाइज यहाँ पे जो मेन IC है गाइज यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है गाइज यहाँ पे BC548 ये ट्रांजिस्टर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और गाइज इसे मैं प्ले करके बताने वाला हूँ गाइज या इस तरीके से ये बोर्ड पर PAM8403 और गाइज वो चलने वाला है गाइज यहाँ पे। तो ये सेल है गाइज 18650 3.72 4.2 वोल्ट का यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बैटरी है गाइज, ठीक है। तो अब इसमें असेंबली करता हूँ गाइज किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम के हिसाब से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नज़दीक ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसे लगा देता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमें पावर लगाना है, सबसे पहले पावर का लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो, तो जैसे कि गाइज यहाँ पे जो है कलेक्टर पे यहाँ पे जो है 10K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे मैं 10K का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस लगाया गाइज यहाँ पे, और गाइज यहाँ पे 100K का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो यहाँ पे 100K का यहाँ पे बेस और कलेक्टर पे लगाएंगे। तो ठीक है गाइज, इस तरीके से यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाया है गाइज। और अभी गाइज यहाँ पे जो है माइक है, माइक की जगह पे 1 UF का यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो माइनस है माइक की तरफ होगा, तो ये कुछ इस तरीके से लगाऊंगा मैं। तो ये यहाँ पे लगेगा, तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे लग चुका है यहाँ पे। अभी गाइज यहाँ पे 10 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे। तो वो भी कलेक्टर, और जो कलेक्टर पे जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे लगेगा। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमारा जो है प्री एम्पलीफायर यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे। तो ये प्री एम्पलीफायर को चेक करने के लिए गाइज मैं ये सेल पे चलने वाला गाइज यहाँ पे जो है PAM8403 यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो ये जो बिना वॉल्यूम का यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ गाइज यहाँ पे, देखिए तो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे जो है हम इसमें पावर लगा लेंगे सबसे पहले। तो ये जो है एमीटर पे जा रहा है गाइज ग्राउंड, तो ग्राउंड को मैं यहाँ पे पीला वायर लगा दूंगा। और गाइज ये जो 10K का रेजिस्टेंस है, 10K के रेजिस्टेंस पे यहाँ पे हम पावर का प्लस वाला दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमारा पावर लग चुका है यहाँ पे। अभी गाइज यहाँ पे एम्पलीफायर पे हम यहाँ पे पावर देखेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे हम लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे प्री एम्पलीफायर लग चुका है। अब इसमें स्पीकर लगाएंगे। तो स्पीकर के लिए गाइज मेरे पास ये छोटा स्पीकर है, तो ये स्पीकर लगा के चेक करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं स्पीकर लगा देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पीकर लग चुके हैं यहाँ पे। अभी गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइज यहाँ पे जो है इसका जो माइक का है जो आउट है यहाँ पे लगाएंगे। तो माइक आउट के लिए गाइज यहाँ पे एक वायर ले लेंगे, और वायर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो स्पीकर है गाइज यहाँ पे लेफ्ट वाला है, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट पे लगा दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ से एम्पलीफाई होगा लेफ्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमारा जो है पावर के जो वायर कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे। अब इसको मैं माइक का जो कॉर्ड है कॉर्ड लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वाइट वाला वायर है गाइज ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लगा दूंगा ये माइक का वायर वाइट वाला। और गाइज ये जो ब्लू वायर है गाइज ये ब्लू लगा दूंगा मैं यहाँ पे नेगेटिव। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे हमारा जो है
बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। पावर लगा के टेस्ट करना बाकी है, तो मैं सबसे पहले माइक ले लेता हूँ। तो गाइज़ ये जो है गाइज माइक, ये डायनामाइक माइक है। जो कंडेंसर माइक होता है उसका प्री एम्पलीफायर अलग होता है गाइज, तो ये सिर्फ डायनामाइक माइक के लिए है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे तो यहाँ पे हम पावर लगा देंगे। सबसे पहले वेरिएशन आ रहा है या नहीं वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे लग चुका है यहाँ पे, अभी इसमें वेरिएशन देखेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अभी मैं पिन लगा देता हूँ और ये ऑन कर देता हूँ। हेलो 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 1 2 3, हेलो 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 1 2 3, हेलो माइक टेस्ट, हेलो 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 माइक टेस्ट। तो देखिए गाइस ये जो माइक है अच्छे से वर्क कर रहा है गाइस, ये एम्पलीफायर, ठीक है। हेलो हेलो 1 2 3। तो इस तरीके से गाइस गाइस आप प्री एम्पलीफायर बना सकते हैं और गाइस इस तरीके से यहाँ पे सेल पे चला सकते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।